दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क क्यों नहीं होती? कई बार ग्रेट व्हाइट को एक्वेरियम में रखने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हमेशा फेल ही होते रहे हैं। ग्रेट व्हाइट को लगातार इधर उधर हिलते रहना पड़ता है ताकि पानी इसके गिल्स यानी कि गलफड़े से गुजरता रहे, तभी ये ऑक्सीजन ले पाती है। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और अगर पकड़ लो तो ये अपने आप को ही घायल करके जान ले लेती है।